सिविल लाइन एरिया में गहराया जल संकट, पीने के पानी के लिए लगी लंबी कतारें। जिला प्रशासन के दावे सिद्ध हो रहे खोखले, प्रशासन को सूचना के बाद भी नहीं पहुंच रहा टैंकर। भीषण गर्मी में पानी को तरस रहे लोग दूर से पानी ढोने को मजबूर है कॉलोनी के बाशिंदे। शहर का पोश इलाका कहे जाने वाले सिविल लाइन में जल संकट पिछले एक महीने से गहराया हुआ है। हम यहाँ बता दें कि जिले के आला अधिकारी यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक महीने से नलों में पानी नहीं आ रहा। ऐसे में अधिकारी से लेकर आम जन परेशान है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा किए जा रहे तमाम दावे भी फिसड्डी नजर आ रहे हैं। सुनिए आमजन ने क्या कहा। ताई जी कितना दिन हो गया पानी को ना रहे हो? एक महीना हो गया भैया, जीन रोता ना। तो सरकार तो कह रही है कि पानी की कमी को नहीं सकी, पानी वगैरह सब आ रहे हैं। तो पूरा एक महीना हो गया पानी आया? तो तब बेच रहे हैं? पूरी समझा दे रखी है, अब एक ही को नहीं मार दो। आप क्या भीड़ भाई, दूसरे का मांग मांग का पानी भर रहे हैं। एक कोई बापड़ा बदला आदमी है, इतना भरनते न कोई को नहीं भरनते। लगातार पिछले कई दिनों में चूरू में जल संकट गहराया हुआ है और इसी का आज एक उदाहरण चूरू की सिविल लाइन में देखने को मिल रहा है। चूरू की सिविल लाइन में पिछले एक महीने से लोग लगातार जल संकट से परेशान है। प्रशासन बिल्कुल भी इन लोगों की सुध नहीं ले रहा है।